नमस्कार, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप लोग CSC वियली हैं और लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, लेकिन आपको पता है 1 अक्टूबर से यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो गया। कोई भी अगर सरकारी काम होता है तो वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट को एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा और वही चीज़ सबसे पहले आपसे आस्क होगा। तो अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, आपको इस वीडियो में सारा प्रोसेस पता चलने वाला है। नॉर्मली अगर आप हॉस्पिटल में किसी का बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे तो बर्थ सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है, लेकिन क्या होगा अगर घर में पैदा हो, क्योंकि कोई प्रूफ रहेगा नहीं, डॉक्टर का लिखा हुआ रहेगा नहीं, तो उस केस में आप कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे CSC VLE है, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सर्विस में जाएंगे या फिर सर्च करेंगे यहाँ पे जाके AFF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 
कर देंगे तो एक वेब पेज ओपन होगा जहाँ से आप पूछा जाएगा कि भाई डीएससी पोर्टल में यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहीं से मेरा सीएससी आईडी, तो यहीं से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कुछ भी आप एप्लीकेशन ऑलरेडी कर रखे होंगे तो यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन दिखाएगा, हालांकि ये नया नया काम हुआ तो कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है। प्रोसेस्ड एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाएगा, पेंडिंग एप्लीकेशन यहाँ दिखाएगा, रिजेक्ट कुछ भी होता है तो यहाँ दिखाएगा। और हमें यहाँ पे करना है नया एप्लीकेशन जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में हो, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा रेसिडेंशियल हक यानी कि रेंट एग्रीमेंट मिल जाएगा, चेंज ऑफ नेम एफिडेविट है, प्रूफ ऑफ इनकम एफिडेविट है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट है, प्रूफ ऑफ एड्रेस एफिडेविट है, ऐसे बहुत सारा चीज़ का एफिडेविट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बनाना है, एफिडेविट बनाना है, तो यहाँ पे और आगे जाएंगे, यहाँ देखेंगे फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड एफिडेविट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जेंडर पूछा जाएगा कि जो चाइल्ड है बॉर्न हुआ है उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, जो भी जेंडर है वहाँ पे आप ये लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एज पूछा जाएगा, जैसे अभी क्या होता है नवजात शिशु है तो उसका तो बन जाता है, लेकिन जिनका एज ज़्यादा है उसका नहीं बनता, तो उसी के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे अगर आपका जिस भी कैटेगरी में एज फॉल होता है, मान लो 30-35 साल आपका एज है तो आप 21 से 60 के बीच में फॉल करते हैं, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का जेंडर क्या है तो मेल या फीमेल जो है वो सेलेक्ट करेंगे। इज दिस योर फर्स्ट चाइल्ड, आपका ये पहला मतलब बच्चा है तो यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इंस्टेंट डाउनलोड विदाउट स्टैम्प पेपर यानी स्टैम्प पेपर के बिना आपको डाउनलोड करना है, या इंस्टेंट डाउनलोड विद स्टैम्प पेपर यानी स्टैम्प पेपर के साथ डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे स्टैम्प पेपर के साथ ही डाउनलोड करेंगे तभी उसका वैल्यू रहेगा, अगर विदाउट स्टैम्प पेपर करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो यहाँ पे इंस्टेंट डाउनलोड विद स्टैम्प पेपर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस राज्य से हैं और कितना का स्टैम्प पेपर रिक्वायरमेंट होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे हर एक स्टेट का आपको देखने को मिल जाएगा, सपोज यहाँ पे पहले दिखा रहा है आसाम, आसाम के लिए अगर एफिडेविट बना रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तो यहाँ पे 100 का स्टैम्प पेपर लगेगा, चंडीगढ़ के लिए बना रहे हैं तो 10 का लगेगा, दिल्ली के लिए बना रहे हैं तो 10 का लगेगा, गुजरात के लिए बना रहे हैं तो 50 का लगेगा, वैसे ही अपने वेस्ट बंगाल में है तो यहाँ पे 20 का एफिडेविट लगेगा। तो अपने स्टेट के हिसाब से अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टैम्प पेपर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में अगर आप हैं तो यहाँ पे 20 का स्टैम्प पेपर चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सॉफ्ट कॉपी, यानी कि आप यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो यहाँ पे 0 रुपया कॉस्ट लगेगा आपका, और आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, यानी कि वो लोग टाइप करके आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से जो इनका फॉर्मेट रहेगा उसमें बन के आ जाएगा। अगर आप डिलीवर चाहते हैं कि नहीं हार्ड कॉपी आपके घर पे आए तो वो 2 से 4 दिन में डिलीवर हो जाएगा, तो नॉर्मली आप हार्ड कॉपी डिलीवर करवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, 99 रुपया लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे इस पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर देने के बाद एक OTP रिसीव होगा, OTP देके यहाँ पे सबमिट करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा जाएगा फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड एफिडेविट न्यू एप्लीकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ एनिटी वी, यानी कि अगर आपका एजेस के लिए यहाँ पे बना रहे कि एज ज़्यादा है तो उनका कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, या तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या फिर पैन कार्ड चाहिए, या फिर वोटर आईडी कार्ड चाहिए, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड। आधार कार्ड तो अभी सभी के पास है, तो कोई भी यहाँ पे एनीवन यानी कोई इसमें से कोई एक चाहिए, सभी ने चाहिए, तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फुल नेम पूछा जाएगा, यानी जिसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका फुल नेम, उनका एज देना पड़ेगा, उनके फादर का नेम, गार्जियन का नाम देना पड़ेगा, फ्लैट नंबर यानी कि उनका जो एड्रेस होगा लोकेलिटी में वो एड्रेस देना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टेट, जिस भी स्टेट से आप हैं वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको पिन कोड देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, और यहाँ पे जो भी प्रूफ अपलोड करेंगे, यहाँ पे जो भी अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, वो आपको प्रूफ में एज अ प्रूफ यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे चाइल्ड डिटेल का ऑप्शन आएगा। चाइल्ड डिटेल में आपको चिल्ड्रेन का नाम देना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल यानी एप्लीकेशन जो कर रहे हैं फादर या मदर उनका डिटेल है, और सेम डिटेल आपको यहाँ पे चाइल्ड का देना है जिसके लिए डेट ऑफ बर्थ बनाना है। तो वो सारा चीज़ सेम वही प्रोसेस है, नाम देना, डेट ऑफ बर्थ देना है, प्लेस ऑफ बर्थ देना है, नेम ऑफ द स्कूल देना है, स्कूल सिटी देना है, सेशन स्टार्ट यानी कि जब भी स्टार्ट हुआ है वो देना है, सेशन एंड कब होगा वो देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिलिंग डिटेल ऑफ द एप्लीकेट यानी कि ये डिटेल देने के बाद आपको पता चलेगा जो भी बिलिंग एड्रेस बनेगा यानी कि जहाँ पे जिस एड्रेस के लिए बिल कटेगा, तो यहाँ पे एप्लीकेट का नाम यानी गार्जियन का नाम देंगे, नाम देंगे, उनका एड्रेस देंगे, जो भी स्टेट है वो चूज़ करेंगे, पिन कोड दे देंगे। अब डिलीवरी एड्रेस आपको देना पड़ेगा यानी एप्लीकेशन का जो आप यहाँ पर डिलीवरी करवाना चाहते हैं जो भी वो वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था कि 99 रुपया देंगे और हार्ड कॉपी डिलीवर करवाएंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा इस डिलीवरी डिटेल सेम एज द एप्लीकेंट डिटेल, यानी कि एप्लीकेंट डिटेल है उन्हीं का सेम डिलीवरी डिटेल है, तो यस होगा तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नो है तो नो पे क्लिक करेंगे, अगर यस है तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया रहेगा, वो डिटेल देना है, अगर नो है तो यहाँ पे नो करेंगे और जो भी नया डिटेल होगा वो डिटेल आपको यहाँ पे पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई जो भी आपने ऊपर ये चारों टैब में जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो सब सही है, वो सब सही है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिटेल आपको पता चल जाएगा, अगर आपको सही लगता है तो सेव पे क्लिक करके यहाँ पे ऑर्डर कर देंगे अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से पैसा कटा के। 99 रुपया का पैसा कटेगा आपका 99 रुपीज, और आपका 2 से 4 दिन में आपका जो भी एड्रेस एप्लीकेंट डिटेल में जो एड्रेस दे रखे होंगे या फिर यहाँ डिलीवरी एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट दे रहे होंगे वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा वहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो वहाँ पे जो भी प्रूफ आप अगर मांगता है कहीं भी, तो ये एफिडेविट आप शो कर सकते हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट यहाँ पे फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड का यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो एप्लीकेशन हो गया कि फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के लिए, अगर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड के लिए नहीं करना है यहाँ पे और भी जैसे यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन देखने को मिलेगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके सेम प्रोसेस है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, इंस्टेंट डाउनलोड करना है या स्टैम्प पेपर करना है, विदाउट स्टैम्प पेपर करना है तो विद स्टैम्प पेपर करना है, कितने के स्टैम्प पेपर करना है तो अपने स्टेट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में फिर 20 का स्टैम्प पेपर है, सॉफ्ट कॉपी आपको 0 रुपया, और अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो 2 से 4 दिन में डिलीवरी मिलेगा, 99 रुपया कटेगा। सेम वही आपको फ़ोन नंबर दे देना है, फ़ोन नंबर से आपको OTP आएगा, OTP देने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो एफिडेविट के रिक्वायरमेंट होगा anyone यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट रख लेंगे, प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। सेम वही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा जैसे आपने पहले किया है, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट डिटेल देना पड़ेगा, गार्जियन डिटेल, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको बिलिंग डिटेल देना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीवरी डिटेल देना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे, प्रीव्यू करके आप चेक भी कर सकते हैं वरना सेव कर देंगे, उसके बाद ऑर्डर कर देंगे। तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ के लिए जो एफिडेविट बनाना है या तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड यानी कि पहले बच्चे के लिए या फिर किसी और बच्चे के लिए भी आप यहाँ पे जो एफिडेविट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, और ये जो होगा गवर्नमेंट के थ्रू होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाना वाला पोर्टल है, लाभार्थी देखेंगे .in यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में जो सभी को प्रॉब्लम होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।